छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आज फैसला होगा। सत्ता में बैठे हैं खासकर मुख्यमंत्री, उनका कुछ ना कुछ क्लू है बाकी लोगों के पास, जिस कारण वह कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। बिल्कुल झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में आज छात्र विधानसभा घेराव करने पहुंचे। छात्रों को जब पुलिस ने रोका तो छात्र आक्रोशित हो गए। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। फिर भी छात्र नहीं रुके, छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दिया। मिली जानकारी के अनुसार इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं। बता दें कि 60-40 नियोजन नीति के विरुद्ध विधानसभा का घेराव करने आज छात्र पहुंचे हैं। इसीलिए आज राज्य की जनता को और खासकर युवाओं को सड़क में आकर आंदोलन को इतनी धार देनी होगी कि इस राज्य के हुक्मरान को विवश होकर इस राज्य के पक्ष में हितार्थ और सुरक्षार्थ के लिए नीति बनाने होंगे। दादा कहते हैं मर्द है और यहाँ बैरिकेडिंग करके रखा है। ये तो शुरू से चला है, हम लोग जब से आज खतियान और भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं तब से देख रहे हैं कि ये तो बैरिकेडिंग रांची में हम लोग जब आते थे तो चाची हम लोग घर में ही बैरिकेडिंग हो जाता था। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में डर क्या है, आप तो सदन के भीतर बात रख रहे हैं, कम से कम सड़क में हमें रखने दिया जाए। हम तो अहिंसात्मक आंदोलन करने आए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए हैं। हमारा तो ये पैदल मार्च है, तो पैदल मार्च को लेकर अगर आप तो तनाशाही रवैया जो इस प्रकार रोके के रखे हैं। नहीं देखिए, हमारे छात्र को रोक दिया गया था, सभी छात्रों को ट्रेन रोक दिया, बस रोक दिया, इसीलिए इसका चरखुना अभी पीछे रुका हुआ है। बस को रोक दिया गया है, छात्रों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आज फैसला होगा, विधानसभा पहुंचेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।